हेलो दोस्तों, नमस्कार। देख सकते हैं आज मेरे पास ई रिक्शा का एक्सलेटर आया हुआ है। ई रिक्शा में हो क्या रहा था, गाड़ी वाला का कथन था कि जब हम एक गाड़ी का एक्सलेटर नहीं ले रहे थे तब भी कभी कभी हमारा ई रिक्शा आगे की ओर बढ़ने लगता था। तो इसमें फॉल्स नहीं था थोड़ा भी, उसको अभी हम चेक कर रहे हैं कि इसमें प्रॉब्लम हो क्या रहा है। ये एक्सलेटर काम भी कर रहा था, और देखिए इसको हम खोले हैं, इसको बाहर की तरफ खींचते हैं तो ये निकल जाता है। इसमें एक स्प्रिंग रहता है जो रिटर्निंग के लिए एक्सलेटर के लिए काम करता है, और इसमें ये देख रहे हैं ये छोटा सा एक सेंसर रहता है, इसी से हमारा एक्सलेटर काम करता है। ये तीन तीन पिन का सेंसर होता है, इसमें जगह बनाया हुआ रहता है सेंसर बैठने का। वो जगह से सेंसर निकल गया हुआ था, निकलने के कारण हो क्या रहा था कि ऑटोमेटिक इसका सेंसर जो है वो एक्सलेटर में मैग्नेट होता है, उस मैग्नेट के साथ अटैच हो रहा था। तो कभी कभी अचानक ऐसा होता था कि ई रिक्शा ऑटोमेटिक खुद से ही चलने लगता था बिना एक्सलेटर लिए, चाबी ऑन रहने के बाद। तो अभी उसको हम रिपेयरिंग कर रहे हैं और आपको बताएंगे कि इसका काम आप सिर्फ 3 मिनट में आप इसको रिपेयरिंग कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, बहुत ज़्यादा सामान नहीं होता है। इसमें एक सेंसर लगा है और एक स्प्रिंग रहता है, और एक फ्रंट गियर बैक गियर का स्विच रहता है इसमें लगा हुआ। तो इसका सेंसर निकल गया हुआ था अपने जगह से, उसको हम अच्छा तरीके से बैठा लिए हैं, देख सकते हैं अपना जगह पर चला गया। ये एक्सलेटर है और ये खाली पाइप रहता है, इसमें छोटा सा एक मैग्नेट लगा हुआ रहता है, जो ये कान देख रहे हैं एक्सलेटर पाइप के ऊपर, इसी में मैग्नेट रहता है, उतना ही काम करता है। और जब भी हम एक्सलेटर लेते हैं तो सेंसर से हमारा मैग्नेट अटैच होता है तो हमारा गाड़ी आगे की ओर बढ़ता है, जब बैक गियर लगाते हैं तो पीछे की ओर बढ़ता है। तो अभी ये हो गया, हमारा फिट हो चुका है बिल्कुल कंप्लीट। अभी इसको हम लगा रहे हैं, फिट कर रहे हैं। इसमें स्प्रिंग रहता है, घाट मिला के आपको बैठा देना है, बैठा दिए और ये वापस से काम करने लगेगा। इसमें किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं था, तार टूटा हुआ नहीं था, तार टूटा होने के वजह से भी ये कभी कभी काम नहीं करता है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहता, ये छोटा सा एक्सलेटर है, सिंगल सेंसर पे चलता है। देख रहे हैं हमारा ये एक्सलेटर अब कंप्लीट हो चुका है, अब ये पूरा वर्क करेगा, सारा काम ये अपने करने के लिए तैयार है। और ये पत्ती रहता है उसको टाइट करने के लिए, इसमें एक एलेंकी बोल्ट रहता है जो एक हैंडल के साथ अटैच रहता है, इसमें घुसा करके टाइट करते हैं तो हैंडल में ये जाम हो जाता है। देख रहे हैं एलेंकी है, इसमें एलेंकी नट लगा हुआ रहता है। इसको खोल कर रिपेयरिंग करना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, आप खुद से भी कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। और ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इस तरह की जानकारी सीखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा करके ऑल पर कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें आपको मिलता रहे।